ये अपने आप में प्रतिज्ञाओं और अपने आप के संकल्प करना, मतलब अपने आदत बनाना। अगर सिर्फ मैं बोलता जाऊंगा और आप सुनते जाएंगे, आप कहेंगे अच्छा लगा, बाद में कुछ कर नहीं पाएंगे, थोड़ा बहुत कोई तो एक दो पॉइंट, लेकिन अभी जो जो अभ्यास किया जाएगा वो करेंगे, आपको पक्का हो जाएगा। तैयार हो? तैयार हो? पक्का करोगे? तो करोगे, बच्चे बन गए या मैं बड़ा हूं? नहीं, बाबा का बच्चा। कौन सा बच्चा? मीठा बच्चा। मुरली में देखो सबसे पहली बात मीठा बच्चा। तो अभी जान लेते हैं फरिश्ता स्वरूप क्या है। तो फरिश्ता स्वरूप अर्थात अंतवाहक शरीर जो हम अपने संकल्प से रचते हैं, हम अपने संकल्प से रचते हैं। सूक्ष्म शरीर तो सभी का है, अज्ञानी लोगों का भी सूक्ष्म शरीर है, साधु संतों का जिन्होंने तपस्या किए हुए हैं, बहुत सिद्धि पुरुष हैं, उनका भी सूक्ष्म शरीर है, और हम ब्राह्मण आत्माओं का भी सूक्ष्म शरीर है। क्या हम जब शरीर छोड़ते हैं या वो जब शरीर छोड़ते हैं फरिश्ता बन जाते हैं? नहीं बनते हैं। फरिश्ता वो बनता है जो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करता है। क्या साधु संतों ने कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया? क्या अज्ञानी आत्माएं या ज्ञानी आत्माएं जो एडवांस वाटी में जा रही है वो संपूर्ण फरिश्ता अर्थात ब्रह्मा बाप समान, अर्थात पुराने घर में रहते हुए नए घर की शुरुआत करते, जैसे हम मजलिस पार्क में पूरा नया घर बनाए। पुराना तो है ही नहीं, पुराना था यहाँ लेकिन हमने नया बनाया, तो उसके लिए क्या किया? पुराने घर में रह के इस घर को निर्माण किया। तो हम, ये हमारा कौन सा घर है? बोलो 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 पुराना। बोलो मेरा ये पुराना घर है, मुझे बनाना। देखो इस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, इस कुर्सी से उठ के इस कुर्सी में बैठ सकता हूँ या नहीं? इसमें, उसमें, उसमें, तो ऐसे कितना कुर्सी हमने बदला? 84। ये अंतिम कुर्सी है, लेकिन इसके बाद कौन सा कुर्सी मैं बनाऊंगा? नई कुर्सी, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। उसको हमें बनाना है, अपने आप नहीं होता है। ये तो पुराना सूक्ष्म शरीर है, ये मतलब स्थूल शरीर के अंदर जो निर्माण होता है, हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर है, वो तो पुराना है। ये स्वरूप फरिश्ता स्वरूप है, तो हमें नया बनाना है। जैसे बाबा ने पुराने घर में रहते हुए सूक्ष्म वतन में संपूर्ण नया अलौकिक दिव्य आभा मंडल प्रकाशवान उसको देखते